नमस्ते सभी को। तो आज का जो सेशन है, इसमें मैं बेसिकली हम लोग जो को एग्जिस्टेंस और इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते रहे हैं बचपन में, उसको साइंस किस तरह से देखता है, साइंस का नजरिया क्या है पूरे नेचर को लेकर, ह्यूमन को लेकर, इवन क्वांटम लेवल पर भी, उस पर्सपेक्टिव को मैं आप लोग के सामने रखने का प्रयास करूंगा, है ना। तो बेसिकली एक वर्ल्ड व्यू की मैं बात करूंगा कि 15th सेंचुरी से पहले वर्ल्ड व्यू क्या रहा इस यूनिवर्स को लेकर और यूनिवर्स में होने वाली एक्टिविटीज को लेकर और उसमें ह्यूमन को लेकर। फिर ये वर्ल्ड व्यू 16th टू 19th सेंचुरी में किस तरह से रहा और 20th सेंचुरी जो अभी हम लोग का समय चल रहा है, इसमें कैसे साइंस इस यूनिवर्स को देखता है, इस बात पर मेनली मैं फोकस करूंगा। तो ऊपर देखेंगे तो डायग्राम एक पेंडुलम बना हुआ है बेसिकली। तो डायग्राम जी, तो भी डायग्राम में देखेंगे तो हम लोग एक पेंडुलम को मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो इसको मैं ब्रीफ करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो बेसिकली ये पेंडुलम ये बता रहा है कि 15th सेंचुरी से पहले वर्ल्ड व्यू हमारा था, फिर 16th टू 19th सेंचुरी में ये वर्ल्ड व्यू में चेंज हुआ, और फिर 20th सेंचुरी के जो साइंस है ये वही वर्ल्ड व्यू वापस से ला रहा है जो 15th सेंचुरी से पहले लोगों में हुआ करता था। तो एक तरह से पेंडुलम है, तो इसको मैं पूरे सेशन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अगर 15th सेंचुरी से पहले देखेंगे, बिफोर 15th सेंचुरी, तो जो लोगों का वर्ल्ड व्यू था, जिस तरह से लोग इस एग्जिस्टेंस को देखते थे, समझने की कोशिश करते थे, वो प्योरली ऑर्गेनिक था। ऐसा माना जाता था कि ये पूरा यूनिवर्स है जो कंप्लीटनेस में एक्ट कर रहा है, इसमें होने वाली सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है, इंडिविजुअली नहीं है। तो इंटरडिपेंडेंस की दृष्टि से लोग इस पूरे यूनिवर्स को देखते थे, इंटरकनेक्टेडनेस की दृष्टि से लोग इसको देखते थे। जो लोग हैं वो कम्युनिटीज में रहते थे और उस पूरे कम्युनिटी को नेचर का एक पार्ट समझ के, नेचर की कॉम्प्लीमेंटरिटी के साथ लाइफ स्टाइल और जीना, ये दोनों ही एक्सपेंड करते थे, और पूरे अर्थ को मदर अर्थ के फॉर्म में देखा जाता था। ये पूरा नेचर ही हमारे लिए एक मदर के समान है, माँ है, और एक पर्सनल रिलेशनशिप के साथ इस हमारी जो लाइफ स्टाइल हुआ करती थी वो नेचर के इननेट लॉ से मैच करती थी। ये 15th सेंचुरी से पहले का वर्ल्ड व्यू ऐसा रहा है ऑलमोस्ट हर जगह। और ये देखा जाए तो किस बेसिस पे रहा है, मोस्टली तो इंट्यूटिवली रहा है, रियलाइजेशन बेस्ड रहा है, इस तरह का वर्ल्ड व्यू पहले हुआ करता था। तो इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करने जा रहा हूँ अभी, मैं ज्यादा फोकस करूंगा 16th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ और अब 20th सेंचुरी में क्या हो रहा है, इस पर मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा। और इन दोनों में भी ज्यादा फोकस मैं 20th सेंचुरी पे करूंगा कि अभी क्या हो रहा है, और 16th टू 19th सेंचुरी में क्या फ्लक्चुएशन हुए हैं उसका मैं आपको एक ग्लिम्स दूं कि कैसे हमारा वर्ल्ड व्यू 16th टू 19th सेंचुरी में मैटेरियलिस्टिक हो गया, मैकेनिस्टिक हो गया, और फिर साइंस में अब ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये वर्ल्ड व्यू दोबारा बन रहा है कि पूरे यूनिवर्स में इंटरकनेक्टेडनेस है, इंटर रिलेटेडनेस है, एक कनेक्शन है। तो ऐसे क्या डेवलपमेंट साइंस में हुए हैं जो अब इस वर्ल्ड व्यू को री इन्फोर्स कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं इन दो पार्ट्स को आपके सामने रखूंगा, 16th टू 19th सेंचुरी में क्या हुआ है एज ए ब्रीफ, एंड देन 20th सेंचुरी में क्या हुआ है। तो इतने बैकग्राउंड के साथ ना ये सेशन को मैं
रखना चाहूंगा आप लोग के साथ में। तो अगर हम लोग 16th और 19th सेंचुरी की बात करें तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं गैलीलियो से, जो साइंटिस्ट रहे हैं, है ना, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट। तो गैलीलियो उसको देखेंगे तो उन्होंने मैथमेटिकल लैंग्वेज को बेस बनाया, उन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और इन्होंने मैथमेटिक्स को बहुत ना इंफेसिस दिया। इनफैक्ट इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है, रैशनली और मैथमेटिकली। और ये पैशनेट थे हर इवेंट को मैथमेटिकली कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इनका पूरा फोकस यही था कि नेचर को मैथमेटिकली हमको एक्सप्लेन करना है। इसलिए इन्होंने इस बात पर फोकस किया कि हमको उन चीजों को स्टडी करना चाहिए जिनकी प्रॉपर्टीज काउंटेबल है, लाइक शेप, नंबर, मूवमेंट, जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिटी में देख सकते हैं। ऐसी चीजों को हमें फोकस करना चाहिए साइंस में, क्योंकि मैथमेटिक्स के जब हम बात कर रहे हैं तो मैथमेटिकल इक्वेशंस इन सबको एड्रेस करती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, लाइक कलर, टेस्ट, एथिक्स, वैल्यूज, ये सब सब्जेक्टिव है, ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने इस बात पर फोर्स किया कि ये सब सब्जेक्टिव हैं, इसलिए हमें साइंस के डोमेन से इनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे, यहाँ से एक ऐसा वर्ल्ड व्यू स्टार्ट हुआ जो उन चीजों को एड्रेस नहीं कर रहा था जो सब्जेक्टिव थी, केवल उन्हीं चीजों को एड्रेस करने पे ज्यादा फोकस था जो क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता था। उस समय के जो साइकेट्रिस्ट थे, आर डी लेंग, इन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड व्यू के कारण, है ना, हमको एक हैवी कीमत चुकानी पड़ी। तो इनके अकॉर्डिंग गैलीलियो ने जो अप्रोच दी वो एक डेड वर्ल्ड की दी, अ वर्ल्ड विदाउट सोल, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, फीलिंग। इस तरह का एक इनका पर्सपेक्टिव था गैलीलियो के बारे में। देन गैलीलियो ने जो एम्पिरिकल अप्रोच दी, जो मैथमेटिकल अप्रोच दी नेचर को समझने के लिए, है ना, उस समय के जो साइंटिस्ट थे, एक और फ्रांसिस बैकन, वो इनसे बहुत प्रभावित हुए, इनके अप्रोच से बहुत प्रभावित हुए। मैथमेटिकल अप्रोच को उन्होंने बहुत ही अप्रिसिएट किया, और इस रैशनल अप्रोच के साथ उन्होंने जो ट्रेडिशनल स्कूल्स थे उस समय, जो इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस, है ना, यूनिफाइड विजन, इसकी बात करते थे, तो बैकन ने उन सब पर बहुत अटैक किया थॉट के बेसिस पर। और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, जिस चीज को हम रैशनली समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, उसी को हमको आगे लेकर चलना चाहिए। तो यहां से देखेंगे तो जो ऑर्गेनिक व्यू ऑफ नेचर है वो पूरी तरह से रिप्लेस होने लगा, और ऐसा समझा जाने लगा कि पूरा वर्ल्ड एज ए मशीन है, और साइंस का गोल हो गया नॉलेज। नॉलेज मतलब जो क्वांटिफिएबल चीज है, उससे जो इंटरफेरेंसेस निकल रहे हैं, हम जो तर्क निकाल रहे हैं उसको समझने के लिए। और पूरे इस अप्रोच से नेचर को डोमिनेट, है ना, किया जाने लगा अपने तर्कों के थ्रू। और जो पहले हम समझते थे कंसेप्ट ऑफ अर्थ एज ए नर्चरिंग मदर, ये ट्रांसफॉर्म हो गया बेकन्स की राइटिंग के बाद, और रिप्लेस हो गया द वर्ल्ड एज ए मशीन। और ये वर्ल्ड एज ए मशीन, ये स्ट्रांगली प्रपोगेट किया आने वाले दो और साइंटिस्ट ने, 17th सेंचुरी के, डेस्कार्ट्स एंड न्यूटन ने। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों के व्यूज से, है ना, वर्ल्ड व्यू चेंज हो रहा था, और आने वाले जो भी साइंटिस्ट उस समय हो रहे थे वो इस रैशनल मैथमेटिकल लैंग्वेज, इनको बहुत वेटेज देने लगे। इसके बाद जब डेस्कार्ट्स एंड न्यूटन आए तो इन्होंने इस चीज को और प्रपोगेट किया, और रैशनली और मैथमेटिकली इसको प्रपोगेट करने की कोशिश की। तो डेस्कार्ट को अगर देखेंगे, ये बिलीव करते थे कि जो यूनिवर्स है, ये इस यूनिवर्स को हमको मैथमेटिकली समझना है ना? और
वो साइंस को ही मैथमेटिक्स की तरह देखते थे कि साइंस और मैथमेटिक्स है ना सिनोनिम है, तो अगर हम मैथमेटिकली चीजों को कर रहे हैं तो हम साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और इन्होंने एक एनालिटिकल मेथड उस समय बहुत स्प्रेड किया, तो इनकी जो एक पर्सनल एनालिटिकल मेथड था वो ये था कि ये हर चीज पर डाउट करते थे और तब तक डाउट करते रहते थे जब तक ये लास्ट जगह ना पहुंच जाए जहां कोई डाउट हो ही नहीं सकता है। इस तरह की इनकी अप्रोच थी। तो एक बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में, फिर और छोटे पार्ट में, फिर और छोटे पार्ट में, जब तक उसको छोटा करते रहो जब तक हम इस पोजीशन पर ना पहुंच जाए कि अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, अब हमें इस पर कोई डाउट नहीं, अब यही है। तो इस तरह से देखेंगे तो एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच की शुरुआत यहां से हुई। और एज ए थिंकर डेस्कार्ट ने ये स्टेटमेंट है जो काफी पॉपुलर हुआ उस समय पर, आई थिंक एंड देयर फोर आई एग्जिस्ट। तो जब ये हर चीज पर डाउट करते रहते थे, तो उस डाउट की सीरीज में ये लास्ट तक यहां पहुंचते थे कि मैं सोच ही इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं एग्जिस्ट करता हूं। तो इन्होंने इस रिडक्शनिस्ट अप्रोच को प्रोपोगेट किया और उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनको ये अप्रोच बहुत अपील की। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, थॉट्स और प्रॉब्लम को पीसेस में डिवाइड करना चालू किया, और जब स्मॉलेस्ट पीस में पहुंच जाते हैं तो फिर उसको लॉजिकली अरेंज करना और देखना कि हमारे लॉजिक्स में कंसिस्टेंसी हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो हम कहते थे ये रैशनल है, साइंटिफिक मेथड है। तो ये मोस्ट प्रॉबली डेस्कार्ट का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है कि इन्होंने इस ये अप्रोच लोगों के सामने रखी और धीरे धीरे ये अप्रोच मॉडर्न साइंस का एक एसेंशियल करेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी तरफ देखेंगे जो इन्होंने ओवर एम्फेसाइज किया इस मेथड को, तो ये मेथड को अगर देखेंगे, मेथड हैज लेड टू फ्रेगमेंटेशन जो कि अब करेक्टरिस्टिक हो गया है। उस समय ये जो बिलीफ था कि जितने भी फिनोमेना हैं उनको हम समझ सकते हैं बाय रिड्यूसिंग देम टू देयर स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, तो कोई भी फिनोमिना है उसको हम ब्रेक करते जाएंगे और एक स्मॉलेस्ट यूनिट या पार्ट पर जाएंगे और फिर वहां से हमको समझ में आएगा कि ये फिनोमिना क्यों हो रहा है। तो एक तरह से ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच उस समय से फ्लो होना स्टार्ट हुआ सभी के बीच में, जो काफी पॉपुलर हुआ। और इस अप्रोच के साथ जो ये डेस्कार्ट्स हैं ये कैसे नेचर को देखते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते थे, ह्यूमन को देखते थे, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो इनके अकॉर्डिंग जो पूरा यूनिवर्स था वो एक मशीन था और ये पूरा यूनिवर्स मैकेनिकल लॉस से काम कर रहा था, है ना, इनकी अप्रोच से। और कोई भी फिनोमिना है इस मटेरियल वर्ल्ड का उसको हम उसके पार्ट्स में जाकर समझ सकते हैं, एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये पर्सपेक्टिव इनका नेचर की तरफ बन। फिर इन्होंने इस पर्सपेक्टिव को एक्सटेंड किया और लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ले गए और इन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब को भी सिंपली एक मशीन की तरह समझा। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स को भी एक रैशनल सोल की तरह देखा और ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स काम कर रहे हैं इनको भी एज ए मशीन की तरह देखा कि एक मैकेनिकल लॉज है, उसके अकॉर्डिंग हर पार्ट काम कर रहा है, इनडिपेंडेंटली काम कर रहा है। फिर इन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया और बायोलॉजिकल चीजों को भी इन्होंने, बायोलॉजिकल फंक्शंस को भी इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इन्होंने ये बताया लोगों को कि बायोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ नहीं है, सिंपल इंडिविजुअल पार्ट्स हैं जो काम कर, जैसे मशीन के पार्ट्स काम करते हैं ऐसे ही बॉडी में भी सेल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। इस तरह का व्यू इन्होंने वहां पर अपनी तरफ से बताने की कोशिश की और ह्यूमन बीइंग के बारे में इन्होंने प्रपोज किया कि ह्यूमन बीइंग टू इंडिपेंडेंट सेपरेट रियाल्म्स हैं। एक को इन्होंने कहा रेस कॉजिटेंस यानी कि थिंकिंग थिंग जो माइंड है जो थिंक करता है, और दूसरा उन्होंने कहा कि एक्सटेंडेड थिंग जो मैटर है रेस एक्सटेंशन। तो इन्होंने ह्यूमन बीइंग को इस तरह से देखा कि दो इंडिपेंडेंट यूनिट है, एक है जो थिंक कर रही है
और दूसरी है जो उसका मैटर का एक्सटेंशन। इस तरह से इन्होंने नेचर, ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन तीनों को देखने की कोशिश की। इन्हीं के व्यू से आगे बढ़ते हुए न्यूटन ने अब तक जितनी स्टडीज हो चुकी थी उन सबको सिंथेसाइज किया, और न्यूटन ने इस मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू को मैथमेटिकली और एक्सप्रेस करना चालू किया। और न्यूटन ने इतना स्ट्रॉन्गली मैथमेटिकली रखा कि उस समय के जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे साइंस की तरफ जो इंक्लाइंड थे, उनको ऐसा लगने लगा कि हाँ, मैथमेटिक्स से हम पूरे एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं हर इवेंट को। तो अगर न्यूटोनियन वर्ल्ड व्यू देखें कि न्यूटन इस पूरे वर्ल्ड व्यू को कैसे देखते थे, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग गॉड क्रिएटेड, गॉड ने इस पूरे मटेरियल पार्टिकल को क्रिएट किया, उनके बीच के फोर्सेस को क्रिएट किया, कुछ फंडामेंटल लॉस बनाए, और उस लॉस से ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है। अब जो यूनिवर्स चल रहा है ये पूरा लाइक ए मशीन चल रहा है ना? और एक कुछ लॉस है जो आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशन लॉस। तो इस तरह से ये पूरे यूनिवर्स को देखते थे, और इन्होंने ये बताया कि न्यूटनियन वर्ल्ड व्यू जो था अल्टीमेटली इस वर्ल्ड व्यू में ये तो मानते थे कि हाँ एक डिवाइन ओरिजिन है, किसी ने बनाया है, लेकिन वो जो बना हुआ है उस फिनोमिना को किसी डिवाइन पावर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो जो बन गया है वो मशीन की तरह काम कर रहा है, इस तरह का वर्ल्ड व्यू यहाँ पर रखते थे। और फिर जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे ये चीज गायब होती गई कि किसको इसने बनाया है ना? और इसमें जो डिविनिटी है, जो इसमें एक फीलिंग है यूनिवर्स में, वो सब इस तरह के टॉपिक्स धीरे धीरे डिसअपियर हो गए, और एक ऐसा साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू डेवलप हुआ जिसमें स्पिरिचुअलिटी थी नहीं, जिसमें फीलिंग थी नहीं, केवल रैशनैलिटी थी, मैथमेटिक्स इक्वेशन थी और मैकेनिज्म थी। और ग्रेजुअली ये सब करेक्टरिस्टिक हो गया मॉडर्न कल्चर और साइंस का। तो इस तरह से एक वर्ल्ड व्यू चल रहा था जिससे जिसमें केवल वो चीजें इंक्लूड होती चली गई जो क्वांटिटी वाइज मेजर की जा सकती है। तो इस तरह से ये सारे साइंटिस्ट ने मिलकर है ना एक मैकेनिस्टिक मॉडल यूनिवर्स का कंफर्म किया, अपनी रेशनैलिटी के थ्रू, मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू ये इन्होंने कंफर्म किया। और इन्होंने बताया, ऐसा निकल के आया इन सबके स्टडी से, कि यूनिवर्स जो है एक ह्यूज मैकेनिकल सिस्टम है जो रन कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन लॉस ऑफ मोशन, मैकेनिकली है, एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, और न्यूटन मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स ये अल्टीमेट थ्योरी हो गई टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। तो ऐसा माने जाने लगा कि अगर नेचर को समझना है तो हम इसी भाषा से, मैथमेटिकल से, रैशनैलिटी से हम पूरी बात को समझ सकते हैं। तो ये जो जितना मैंने अभी कहा, ये 16th to 19th century में इस तरह की चीजें चल रही थी। इसीलिए उस समय जितना भी डायमेंशंस डेवलप हुई, जैसे कि डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि रिडक्शनिस्ट अप्रोच थी, हम इंडिविजुअल पार्ट के फॉर्म में देख रहे थे, तो उस समय जो मैनेजमेंट की थ्योरीज डेवलप हुई वो इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन के लिए डेवलप हुई, कि इंडिविजुअली सेटिस्फाई होना चाहिए व्यक्ति, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से व्यक्ति को नहीं देखा गया, इंडिविजुअल तरह से देखा गया। उस समय जो मेडिकल साइंस डेवलप हुई लाइक एलोपैथिक, वो भी इसी अप्रोच से प्रभावित थी। तो शरीर को एज इंटीग्रेटेड यूनिट ना देखकर हर पार्ट को इंडिविजुअल देखना और उस पार्ट के लिए चीजों को ठीक करना, इस अप्रोच से मेडिकल साइंस डेवलप होने लगी। उस समय की जो बायोलॉजी थी है ना, वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच से चलते चलते जीन्स पर आ गए कि हम कुछ जीन्स पर काम करेंगे तो लोग को पर काम होने लगेगा। तो उस समय ऐसे ही जितनी भी हमारी एजुकेशन की डायमेंशंस इवॉल्व हो रही थी, वो ज्यादातर डायमेंशंस इस रिडक्शनिस्ट अप्रोच से इन्फ्लुएंस थी। उस समय जो इकोनॉमी आई वो पर्सनल बेनिफिट के लिए आई, कि ह्यूमन का पर्सनल सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का पर्सनल सेटिस्फेक्शन, उसका पर्सनल गेन, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से एक पूरा वर्ल्ड व्यू इस तरह से डेवलप हुआ कि एक ऐसी अप्रोच
लोगों को अपील कर गई कि हाँ पार्ट्स पर ध्यान देना है, होल पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बेसिकली पार्ट्स वर्क कर रहे हैं। तो ये एक अप्रोच रही 16th to 19th century में, है ना। मैं इन सबके टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक वर्ल्ड व्यू की बात कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली ये पेंडुलम आगे बढ़ा। तो फिर से मैं बता देता हूँ ये पेंडुलम क्या है। पहले देखेंगे तो ये पेंडुलम बिफोर 15th century हमने बात किया, एक अलग अप्रोच थी जो इंटरकनेक्टेडनेस को वेटेज दे रही थी, नेचुरल कनेक्शन को वेटेज दे रही थी। फिर 16th to 19th century जो मैंने अभी बताया, एक ऐसा वर्ल्ड व्यू बना कि सब कुछ मैकेनिकल है, हम पार्ट्स को समझेंगे। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ 20th century साइंस की, कि अब 20th century में साइंस क्या बोल। तो इसमें मैं ब्रीफली जो रखने वाला हूँ कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कह रही है, क्वांटम थ्योरी क्या कह रही है, जो बायोलॉजिकल साइंसेस है अब 20th century के ये क्या कह रहे हैं, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड थ्योरी क्या है, होलोग्राफिक परसेप्शन यूनिवर्स का क्या है, और ये किस तरह का वर्ल्ड व्यू अब दे रहे हैं, इस पर मैं बात करूंगा। तो अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखें, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि इस थ्योरी से पहले न्यूटन का जो लॉजिक्स थे, न्यूटन की जो एक मैथमेटिकल लैंग्वेज थी, वो बहुत इफेक्टिव थी उस समय तक। तो जब आइंस्टीन ने एंट्री की, तो आइंस्टीन ने कहा ऐसा नहीं है, न्यूटन ने कहा कि हर एक पार्ट पर हमको ध्यान देना है ना, हर एक पार्ट इंडिविजुअल है, जैसे कि अर्थ अर्थ है, मून मून है, सन सन है, सब इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, कुछ लॉस के अकॉर्डिंग, कुछ नियम है उसके तहत काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। लेकिन जब आइंस्टीन पिक्चर में आते हैं, तो आइंस्टीन ने कहा ऐसा नहीं है। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम इंटरकनेक्टेड है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिकेट मैच चल रहा है, अगर हम न्यूटन्स के वर्ल्ड व्यू से देखेंगे, तो जो स्पीड उस फील्ड में खड़े हुए व्यक्ति को दिख रही है, जो बॉलिंग फेंक रहा है उसकी जो स्पीड दिख रही है, वही स्टेडियम में बैठे हुए व्यक्ति को भी वही स्पीड दिखेगी, और स्पेस में बैठे हुए व्यक्ति को भी वही दिखेगी। रिलेटिविटी थी नहीं, सब इंडिपेंडेंट था। लेकिन आइंस्टीन ने आकर कहा ऐसा नहीं है। आइंस्टीन ने कहा ह्यूमन बीइंग जो है वो पार्ट है होल का, इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई भी एंटिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, एक होलनेस है, कंप्लीटनेस है, उसमें हम सब इंटीग्रेटेड पार्ट है। और उन्होंने ये भी कहा कि अपने एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा अपने, है ना, जब इस रिलेटिविटी को और इस इंटरकनेक्टेडनेस को जब वो फील करने लगे, एक्सपीरियंस करने लगे, तो उन्होंने कहा कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है, या उनको ऐसा लगता था कि हम सेपरेट हैं रेस्ट से, लेकिन ये जो सेपरेटनेस हमको दिख रही है, ये एक तरह का ऑप्टिकल डिल्यूजन है कॉन्शियसनेस का, और यही डिल्यूजन जो है ये एक तरह से प्रिजन है हमारे लिए, यानी कि हमारे लिए एक तरह से जेल जैसा है, जो हमको रेस्ट्रिक्ट करता है बाकी चीजों के साथ इंटरकनेक्टेडनेस में देखने के लिए। उन्होंने कहा कि ये जो हम सेपरेटनेस देखते हैं बाकी पूरे एग्जिस्टेंस के साथ, हम उसके साथ अपने को नहीं देख पाते हैं, तो एक तरह का ये इल्यूजन है, ये हमारी जो पर्सनल डिजायर है, हमारे पर्सनल जो अटैचमेंट है, ये हमको बाकी चीजों से अलग करते हैं। तो हमारा जो टास्क है वो ये होना चाहिए कि हम इस प्रिजन से, इस जेल से अपने को अलग कर सकें, और जैसे जैसे हम अपना विजडम बढ़ाएंगे, तो हमारे अंदर जो कंपैशन बढ़ेगा, उस कंपैशन के थ्रू हम जितने भी क्रिएचर हैं, पूरा होल नेचर है, एग्जिस्टेंस है, इन सब के साथ हम कंपैशनेटली अपने को भी देख सकते हैं। ऐसा एक व्यू आइंस्टीन ने प्रपोगेट किया, उनकी तरफ से आया। देन फिर अगर हम क्वांटम थ्योरी को देखें, तो बेसिकली क्या हो रहा था कि 17th century तक जो भी डेवलपमेंट हुए साइंस में, उनसे एक सरफेस लेवल के इवेंट्स तो एक्सप्लेन हो जाती थी, जैसे मून सन, है ना, कैसे चल रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, ये सब एक्सप्लेन हो जाता था। लेकिन जब हम और डीपर लेवल पर जाते हैं, क्वांटम लेवल पर, तो वो लॉस काम नहीं करते हैं जो सरफेस लेवल पर काम कर रहे थे। तो जब इस क्वांटम थ्योरी, है ना, पिक्चर में आई और लोगों ने क्वांटम लेवल पर चीजों को जाकर देखने लगा,
तो यहां तक भी लोग देख पा रहे हैं अब क्वांटम एक्सपेरिमेंट से कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों ही इंटरकनेक्टेड है ना। जैसे न्यूटन के अकॉर्डिंग मैं और सन इंडिपेंडेंट है, सन सन है, मैं हूं, शरीर शरीर है, पेड़ पेड़ है, इनका आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है। लेकिन जब ये क्वांटम थ्योरी आई आइंस्टीन के बाद, तो अब ये आउटकम निकल के आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। यानी कि जब मैं चीजों को देख रहा हूं तो मेरा इम्पैक्ट उस चीज पर पड़ रहा है, क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड हैं और वो चीज मुझसे भी कनेक्टेड है। इसलिए हम किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। अगर हमें देखना है किसी चीज को इस यूनिवर्स में, तो सबके रिलेशन में देखते समझ पाएंगे, उसके कंडक्ट को, उसके बिहेवियर को इंडिविजुअली नहीं समझ पाएंगे। ऐसा क्वांटम फिजिक्स से अब चीजें निकल के आ रही है। एक फेमस है ना एक्सपेरिमेंट है साइंस में कि इलेक्ट्रॉन कभी वेव की तरह काम करता है, कभी पार्टिकल की तरह काम करता है। तो इसमें कैपरा कहते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड कनेक्टेड है, इसलिए अगर मैं उसको वेव की तरह देखना चाहता हूँ तो वेव की तरह काम करता है, अगर मैं उसको पार्टिकल की तरह देखना चाहता हूँ तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि मैं उससे इंटरकनेक्टेड हूँ, तो मैं उसको इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकता। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि रियलिटी में, नेचर में कुछ भी आइसोलेशन में नहीं है, बल्कि एक वेब ऑफ रिलेशंस हैं, जो जो उसके पार्ट्स हैं वो पूरे होल के साथ काम कर रहे हैं, रिलेशन के साथ काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा अब क्वांटम थ्योरी से चीजें निकल कर आ रही हैं। तो इसी चीज के लिए एक एक्सपेरिमेंट साइंस में है, नॉन लोकेलिटी इफेक्ट। नॉन लोकेलिटी इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट है साइंस का, क्वांटम फिजिक्स में। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि जो जिस पर स्टडी करते हैं एटम्स होता है, उसको एक जगह रखते हैं, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, फिर उसके कुछ पार्टिकल्स को कहीं और रखते हैं और ये देखते हैं कि है ना, जैसे ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल है, तो ए में अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो बी में चेंज होने लगता है, और ये मैटर नहीं करता है कि बी ए से कितनी डिस्टेंस पर है। यानी कि ए में हम कुछ भी कर रहे हैं तो बी उसके करस्पॉन्डिंगली रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि ए और बी से इंस्टेंटली कनेक्टेड है ना, इंफॉर्मेशन जाने में समय ही नहीं लग रहा है, इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्शन सिर्फ एक सरफेस लेवल का इंटरकनेक्शन नहीं है, वो डीपली इतना इंटरकनेक्टेड है कि एक पार्ट में कुछ भी होता है दूसरे पार्ट में रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसी को एक्सप्लेन करते हुए डेविड बोहम ने एक बुक लिखी है, होलनेस एंड द इम्प्लीकेट ऑर्डर। तो इस पूरे बुक का अगर एसेंस देखेंगे तो ये अनब्रोकन होलनेस पर बात करती है, यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में सब कुछ कनेक्टेड है ना, ब्रोकन नहीं है कुछ भी, पार्ट में नहीं है। तो इसी के लिए वो यहाँ कोट है, ये बोहम का साइंटिस्ट है, इन्होंने लिखा है कि जो भी फ्रेगमेंट चीजें हैं या सेपरेटली हैं, वो सिर्फ एक इल्यूजन है हमारा, है ना, और अगर हमारे में ये इल्यूजन रहेगा तो हम एंडलेस कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन में बने रहेंगे। इसलिए इन्होंने एक कंसेप्ट दिया इम्प्लीकेट ऑर्डर। तो इनके अकॉर्डिंग एक इम्प्लीकेट ऑर्डर है, एक एक्सप्लीकेट ऑर्डर है। एक्सप्लीकेट ऑर्डर वो है जो हमको सेंसुअल ऑर्गन से दिखता है, जैसे सन मून पेड़ पौधे, लेकिन ये इतना स्मूथली काम कर रहे हैं क्योंकि फंडामेंटली इम्प्लीकेट ऑर्डर जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है उससे लोग चीजें कनेक्टेड है। तो बाहर हमको चीजें हो सकता है डिसकनेक्टेड दिखें, वो भी हमारा इल्यूजन है इसलिए, लेकिन डीपर लेवल पर देखेंगे तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, को एग्जिस्टिंग विथ ईच अदर, और इतना डीपर इंटरकनेक्टेडनेस है कि हम एक पार्ट में कुछ भी चेंज होता है तो दूसरा पार्ट उसके करस्पॉन्डिंगली रिफ्लेक्ट करने लगता है, वर्क करने लगता है, इतना डीपर इंटरकनेक्टेडनेस है। देन कुछ बायोलॉजिकल साइंस के बारे में मैं बताऊंगा, मॉडर्न साइंस में क्या बायोलॉजिकली चल रहा है अभी, बायोलॉजी को लोग किस तरह से देख रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था, 16th to 17th century में जब न्यूटन से लोग इन्फ्लुएंस थे, तो जो साइंस डेवलप हुई बायोलॉजी की वो इंडिविजुअली देखती थी कि हमको अगर बॉडी को समझना है तो सेल को देखना पड़ेगा, और सेल को देखेंगे तो वो मैकेनिकली वर्क कर रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड व्यू था। लेकिन अब अगर हम देखेंगे 20th century में आकर, अब बायोलॉजी
को अगर देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड व्यू चेंज हो गया है। अब वर्ल्ड व्यू ये हो गया है कि पूरा बायोलॉजिकली चीजें इंटरकनेक्टेडनेस है, और हम अगर किसी सेल के बिहेवियर को भी समझना चाहते हैं तो हमको होलनेस में समझना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें बॉडी के किसी सेल के रोल को समझना है तो पूरी बॉडी के रेफरेंस में वो समझ में आएगा, इंडिविजुअली हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं। अब ये स्टेब्लिश हो चुका है कि 98% ऑफ द 10^28 एटम्स ह्यूमन बॉडी में एनुअली रिप्लेस हो जाते हैं जब वो इंट्रैक्शन करते हैं बाहर के इन्वायरमेंट से, है ना। इतने एटम रिप्लेस हो रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन बॉडी में जो एटम्स हैं उनका इंटरकनेक्शन बना हुआ, उसमें एक्सचेंज हो रहा है। जबकि न्यूटन के हिसाब से ऐसा नहीं था, उस समय ऐसा वर्ल्ड व्यू नहीं था, लेकिन अब वर्ल्ड व्यू इस तरह से आ रहा है कि हम इन्वायरमेंट से इंटरकनेक्टेड है, हमारा एक्सचेंज चल रहा है, रिलेशन चल रहा है। और सिंपल कैलकुलेशन से रिवील करते हैं कि हर ब्रीथ जो हम सांस लेते हैं उसमें 10^15 है क्वाड्रिलियन, 10^15 एटम्स हम ब्रीथ करते हैं, और उसमें से जो बाकी हमारी ब्रीथिंग है, मतलब ये जो एटम्स है ना, वो बाकियों की ब्रीथिंग से कनेक्टेड है। यानी कि हम जो सांस भी ले रहे हैं वो बाकियों की सांसों से कनेक्टेड है, हम इंडिविजुअली सांस नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो आ रहा है, अगर हम बॉडी के सेल को देखेंगे वो अपने लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं पूरे बॉडी को ध्यान में रखते हुए। तो एनी पार्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज विलिंग टू डाई इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द जेनेटिक होलनेस ऑफ द लार्जर एंटिटी। तो इतना इंटीग्रेटेड है ये कि कोई भी सेल जो डाई हो रहा है वो डाई भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उसको पूरे बॉडी की एक इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। यानी कि इस पूरी होलनेस को बनाए रखने के लिए कुछ चीजें डिकम्पोज हो रही हैं तो कुछ चीजें कंपोज हो रही है, लेकिन जो पर्पज है वो एक होलनेस को बनाए रखना। तो ये अकॉर्डिंग टू चोपड़ा है ना, ये बायोलॉजिस्ट हैं और मॉडर्न, इनके अकॉर्डिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वो इस तरह का बिहेवियर पैटर्न शो करते हैं जो कि एक होल को फेवर करता है, ना कि इंडिविजुअल पार्ट को। यानी कि हर पार्ट एक होलनेस के लिए काम कर रहा है, पूरी बॉडी के लिए काम कर रहा है, ना कि इंडिविजुअली काम कर रहा है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर और लिखा है, ह्यूमन बॉडी को अगर देखेंगे तो सम मिलियन बिलियन सेल्स कंसिस्ट मिलके बॉडी बनी हुई है। मतलब अगर मैंने जो बुक्स देखी हैं उनमें ऐसा भी लिखा है कि फार मोर देन स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी, इन सेल्स को देखेंगे 600 बिलियन आर डाइंग, है ना, डेली टूट रहे हैं, एंड द सेम नंबर जनरेट भी हो रहे हैं, ओवर 10 मिलियन सेल्स पर सेकेंड। एवरेज स्किन सेल को अगर देखेंगे है ना, वो करीब 2 वीक्स तक लाई करते हैं। बोन सेल्स को देखेंगे वो हर 3 मंथ्स में रिन्यू हो जाते हैं। एवरी 90 सेकेंड्स मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज, हर पार्ट जो है ना, एवरी आर 200 मिलियन एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ सेल्स आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। और ये इस तरह से चल रहा है कि जैसे सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके पैर के अंगूठे के सेल में भी कुछ हैपन होता है तो बॉडी के सर के टॉप वाले सेल को भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि क्या हो रहा है, और वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्टिविटी करना चालू कर देता है। यानी कि कोई भी पार्ट बायोलॉजिकली इंडिविजुअली वर्क ही नहीं कर रहा है, वो पूरे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके कर रहा है, और इस कोऑर्डिनेशन में इंफॉर्मेशन इमिडिएटली एक्सचेंज हो रही है। ये एक इंटरेस्टिंग बात यहां से निकल कर आ रही है। देन अभी देखेंगे तो एक मॉडर्न साइंस में मॉर्फोजेनेटिक फील्ड थ्योरी, तो एक साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं ये रूपर्ट शेल्टर, इन्होंने ये थ्योरीज को इवॉल्व किया है, दिया है, और इन्होंने ये कहा है कि सेम स्पेसीज जब आपस में इंट्रैक्शन करते हैं तो एक फील्ड बनता है, उसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। और जितना ज्यादा हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं है ना सेम टाइप की, तो उतना ही ज्यादा ये फील्ड स्ट्रांग होता है। और इस फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसका नाम है 100th मंकी इफेक्ट।
इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ क्या ये है, फिर मैं बताता हूँ ये थ्योरी क्या कहना चाह रही है। तो 100th मंकी इफेक्ट को देखेंगे, तो ये जो ये बायोलॉजिस्ट हैं रूपर्ट शेल्टन, इन्होंने क्या किया, एक फॉरेस्ट में गए जहाँ पर मंकीज थे। इन्होंने एक आलू रखा, स्वीट पैटेटो, क्योंकि बंदर को आलू अच्छे लगते हैं, तो स्वीट पैटेटो इन्होंने डाला। तो एक दो बंदर वहां पर आए, मंकी आए, और उसको खाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उसको रेत में डाला था, मिट्टी में डाला था, तो वो गंदा होने की वजह से वो मंकी उसको खा नहीं पाते थे, तो ऐसे ही छोड़ देते थे। तो वो डेली करते थे और ऑब्जर्व करते थे क्या होगा। तो उन्होंने एक देखा कि एक मंकी छोट का बच्चा आया और वो आलू को साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से जो पास में रिवर थी उसमें गिर गया आलू। तो जैसे ही आलू उसमें गिर गया तो वो धुल गया, और इस मंकी ने निकाला और उस धुले हुए आलू को खा के चला गया। तो इस मंकी को ये समझ में आ गया कि पानी में डालने से आलू धुल जाएगा और हम खा सकते हैं। तो ये फिर डेली एक स्वीट पोटैटो डालते थे, वो मंकी आता था, अब वो क्या करने लगा, सीधे पानी में ले जाने लगा और धो के उसको खाने लगा। बाकी मंकीज जो थे इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। धीरे धीरे उस एरिया के सभी मंकीज को ये समझ में आ गया कि हम आलू इस तरह से खा सकते हैं। तो धीरे धीरे सभी मंकी खाने लगे, उनको समझ में आ गया कि हम पानी में ले जाएंगे, धोएंगे और खाने लगेंगे। तो जब ये कुछ दिन तक चलता रहा, तो जैसा मैंने कहा कि एक फील्ड जनरेट होता है जब एक स्पेसीज, सेम तरह के स्पेसीज कुछ एक्ट करते हैं रेगुलरली, तो एक फील्ड जनरेट होता है, इसको बोलना है मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। तो उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व करना चालू किया कि उस जंगल से, जो दूर के जंगल थे जहां पर लोगों को, बंदरों को नहीं पता था स्वीट पोटैटो कैसे धोते हैं, जब उन्होंने वहां भी डालना चालू किया, तो वहां बहुत कम समय में बंदरों को यह समझ में आ गया कि हम आलू को धो के निकाल के खा सकते हैं। और जब और जंगल में किया तो वो डायरेक्टली उसको धो के खाने लगे। यानी कि एक फील्ड जनरेट होता है जो हमको कनेक्ट करता है आपस में, इसको बोलते हैं 100th मंकी इफेक्ट। यानी कि 99 बार में एक्सपेरिमेंट किया था, 100th टाइम में उस मंकी को ये बात समझ में आ गई थी, और फिर ये रेप्लीकेट होने लगा अपने आप, जबकि उस बाकी एरिया के मंकीज को इस एक्सपेरिमेंट का एक्सपोजर नहीं था। इसी को इन्होंने और स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसमें से एक दो एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ मैं। जैसे इन्होंने क्या किया, एक टीवी में एक पजल निकाली, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पजल, और एक दो चार लोगों को कमरे में बिठाया और कहा कि सॉल्व करो। तो पजल इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी वो सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उस पजल्स को बताना चालू किया कि कैसे ये सॉल्व होगी। तो जब ये करने लगे तो इन्होंने देखा, जब वो नए लोगों को बुलाते थे तो उनको कम समय लगता था पजल सॉल्व करने में रिलेटिवली, जो पहले व्यक्ति सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह से हर बार जो नया ग्रुप बुलाते थे उसको कम एफर्ट लगाना पड़ता था। फिर इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट डिफरेंट सिटीज में करना चालू किया, और जब वहां पर करना चालू किया तो वहां के लोग रिलेटिवली और कम एफर्ट लगाने लगे। यानी कि इस बात से ये शो कर रहे हैं कि जब भी हम एक्टिविटी करना चालू करते हैं और वो एक गुड नंबर अमाउंट हो जाता है उस एक्टिविटी का, तो एक फील्ड जनरेट होता है जो हमको आपस में कनेक्ट कर देता है, और उस फील्ड के प्रभाव में हम चीजों को समझने लगते हैं, सीखने लगते हैं, है ना। तो उसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल ये हो सकता है मोबाइल। हमारे बच्चे हमारे मोबाइल्स को ज्यादा अच्छे से चला लेते हैं, हमको एफर्ट लगाना पड़ता है, हमारे पेरेंट्स को एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन जब एक नंबर हो गया प्रॉपर तो एक फील्ड जनरेट हुआ, और इस फील्ड के तहत हमारी अब की जनरेशन बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी को सीख लेती है, हमसे भी ज्यादा। तो ये ड्यू टू मॉर्फोजेनेटिक फील्ड थ्योरी है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि हर स्पेसीज को देखेंगे उनका एक फील्ड जनरेट होता है और वो उस फील्ड के थ्रू इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। तो बेसिकली ये इंटरकनेक्टेडनेस बताने की कोशिश कर रहे थे। देन अगर देखेंगे अब होलोग्राफिक परसेप्शन, एक फिर से एक मॉडर्न साइंस में इवॉल्व हुई है थ्योरी, तो इनके माइकल टेलबॉट ने ये थ्योरी दी है। इनके हिसाब से पूरे यूनिवर्स में होलोग्राफिक परसेप्शन है, होलोग्राफिक रिफ्लेक्शन है। तो ये क्या कहना चाहते हैं, मैं इसको बताता हूँ। जैसे आपने होलोग्राम देखा होगा, होलोग्राफिक इमेजेस देखी होगी, है ना, कितने लोगों ने देखी है, हम लोग हैंड रेस करके बता दिया, यस लिख के बता सकते हैं, है ना। हम में से होलोग्राफिक इमेजेस देखी होगी जो बुक के पीछे लगी होती हैं। कोई टेक्स्ट करके मुझे बताएगा इस होलोग्राफिक
इमेज की क्या खास बात होती है, क्या कोई बता सकता है मुझे टेक्स्ट करके कि इस होलोग्राफिक इमेज की खास बात क्या होती है? होलोग्राम लगे होते हैं ना बुक के पीछे, चीजों के पीछे होलोग्राम लगने लगे, इसकी खास बात क्या होती है? बस एक शेयरिंग में लूंगा ना किसी की, कि क्या खास बात है इसकी? जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को एक्सप्लोरर्स को। हालांकि मैंने अपने एमटेक के दौरान पढ़ रखा है इस होलोग्राफिक ग्राम्स के बारे में, बट मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। लेकिन जहाँ तक प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतनी बात तो अवश्य है भैया कि ये जो होलोग्राम्स होते हैं वो या तो मतलब इस बुक का जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है परहैप्स इसको रिप्रेजेंट करता है। अब उसमें ऑप्टिक्स के तरीके से क्या चीजें हो रही है मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, सॉरी। ठीक है, बस बढ़िया है। तो उसके हम लोग टेक्नोलॉजी में जा भी नहीं रहे, टेक्निकली क्या हो रहा है। तो बेसिकली होलोग्राम को देखेंगे तो उसका एक खास बात यह है, अगर आप उसको पार्ट्स में करते हैं, फाड़ दीजिए उस होलोग्राम को, तो उसके हर पार्ट में पूरी पिक्चर डिस्प्ले होगी। जो पूरी पिक्चर होलोग्राम में डिस्प्ले हो रही थी, उसके हर पार्ट में वो पिक्चर डिस्प्ले होगी। इस तरह से वो डिजाइन होता है। तो इसी को, बात को ध्यान में रखकर माइकल टेलबॉट ने ये एक्सप्लोर किया और कहा कि पूरा यूनिवर्स होलोग्राफिक करेक्टरिस्टिक रखता है, यानी कि एक एक एटम में पूरा हो यूनिवर्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए पूरे यूनिवर्स में यूनिफाइड यूनिफाइड करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसीलिए पूरे यूनिवर्स में हर एंटिटी को पता होता है कि दूसरी एंटिटी क्या कर रही है। इसी वजह से पूरे यूनिवर्स में एक फीडबैक सिस्टम बना हुआ है जो चीजों को होलनेस के लिए मैनेज करता है। तो होलोग्राफिक परसेप्शन उन्होंने दिया, इसीलिए उन्होंने ये कोड दिया जो मैंने लिखा है, कि जो भी हम देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, है ना, ये जो जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं इस यूनिवर्स में, वो अल्टीमेटली एक सीमलेस वेब है। और इस वेब में हर एंटिटी को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, में पूरा यूनिवर्स ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए इंस्टेंट इंफॉर्मेशन सबको पता होती है और ये पूरा यूनिवर्स एक होलनेस के साथ चलता रहता है। ये होलोग्राफिक परसेप्शन है ना, होलोग्राफिक थ्योरी इन्होंने दिया है। तो अगर इन थ्योरीज को हम लोग कंबाइंड करें तो अब क्या निकल के आ रहा है, ये मैं बता देता हूँ। तो अगर रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को हम लोग देखें, और सब एटॉमिक लेवल पर ये थ्योरीज जाकर एक्सप्लोर करती हैं और हमको ये बता रही हैं कि जितना भी सब एटॉमिक लेवल पर चीजें हो रही हैं, अल्टीमेटली वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। कुछ भी आइसोलेट नहीं है, कुछ भी इंडिविजुअल नहीं है। और हर इवेंट को अगर हमें समझना है, किसी भी इवेंट को हमको समझना है, तो हमको पूरे होलनेस के रिलेशन में वो समझ में आएगा। इंडिविजुअली हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर हम बॉडी को लें और हम सोचें कि बॉडी की फिंगर जो है, इसका क्या रोल है, अभी हमको इंडिविजुअली नहीं समझ में आएगा। जब हम पूरी बॉडी के रेफरेंस में देखेंगे तब हमें इसका रोल समझ में आएगा। फिर इस फिंगर के हर एक सेल को अगर देखेंगे तो क्या कर रहा है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब पूरी बॉडी के रेफरेंस में देखेंगे तब समझ में आएगा। इसी तरह ह्यूमन को अगर देखेंगे तो पूरे होल के रेफरेंस में देखेंगे, है ना, पूरे एग्जिस्टेंस के रेफरेंस देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा ह्यूमन का क्या रोल है। तो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड थ्योरी हमको बता रही है कि एक परसेसिवनेस है, कनेक्टिविटी है, जिसके थ्रू हम सब कनेक्ट होते हैं, स्पेशली सेम स्पेसीज। होलोग्राफिक व्यू हमको ये दे रहा है कि हर पूरे यूनिवर्स में, हर यूनिट में, हर, है ना, छोटे से छोटे एटम में भी पूरा यूनिवर्स ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसीलिए हम में वो पोटेंशियल भी है कि हम उस पूरे यूनिवर्स को रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा यूनिवर्स भी हम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए हम रियलाइजेशन कर भी सकते हैं, वो पोटेंशियल भी हम में है। तो अगर इन सबको देखेंगे तो हम लोग इस बात को अब कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में एक होलनेस है, कनेक्टिविटी है, इंटर रिलेशन है, को एग्जिस्टेंस है ना, और एक कनेक्शन के साथ है, आइसोलेशन के साथ नहीं है। तो इस अब अगर हम लोग इस पूरी बात को सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न साइंस अब ये बात कह रही है कि पूरा यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है। यानी कि जो हम लोग ने स्टार्ट किया था कि 16th to 19th century में जो एक वर्ल्ड व्यू में चेंज आ गया था, नहीं, हमको मैकेनिकली समझना है, अब वो वर्ल्ड व्यू फिर से चेंज हो रहा है। और अब वो वर्ल्ड व्यू ये निकल के आ रहा है कि अगर हमें चीजों को समझना है, इस यूनिवर्स को
देखना है, इवन हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी थिंकिंग, ये सब एक होलनेस के साथ होनी चाहिए, तभी हम इस एनवायरनमेंट, इस एग्जिस्टेंस में कोएग्जिस्ट कर पाएंगे, क्योंकि पूरा एग्जिस्टेंस पहले से ही वैसा ही चल रहा है। ये एक वर्ड निकल के आ रहा है। तो अभी समय हो गया है तो मैं इकोलॉजिकल एविडेंसेस पर नहीं जा रहा हूँ, कभी समय मिलेगा तो मैं इकोलॉजिकल एविडेंसेस पर भी बात करूंगा। तो इसको मैं भी यहीं पर रखते हैं, तो मैं एक बात पूरी समाप्त कर देता हूँ। तो हम लोगों ने इस बात को किया था कि बिफोर 15th सेंचुरी एक वर्ल्ड व्यू था इंटरडिपेंडेंस का, इंटरकनेक्टेडनेस का। 16th टू 19th सेंचुरी में, है ना, ये वर्ल्ड व्यू थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ और मैकेनिकली होने लगा, तो एक मैकेनिस्टिक कंसेप्शन आया। लेकिन अब 20th सेंचुरी में जब क्वांटम फिजिक्स इवॉल्व हो रही है, तो फिर से इस बात, इस तरह का वर्ल्ड व्यू आ रहा है कि पूरे यूनिवर्स में अल्टीमेटली इंटरकनेक्टेडनेस है, और उनकी प्रॉपर्टीज को अगर हमें समझना है तो हमको दूसरे के रिलेशनशिप में देखना पड़ेगा। तो मैकेनिस्टिक से फिर से इंटरकनेक्टेड और कोएग्जिस्टेंस का वर्ल्ड व्यू इमर्ज हो रहा है, और हमको इसको एजुकेशन में लाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, है ना, इतना ही टाइम मुझे परमिट कर रहा है। तो मेरी तरफ से इतनी ही बात थी, मेरा पर्पस भी यही था कि हम लोग को एक आइडिया भी लग जाए, क्योंकि हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, है ना, कभी कोई साइंस बैकग्राउंड से बात करता है तो हमको आइडिया होना चाहिए कि इस तरह के वर्ल्ड व्यू अब साइंस में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।